नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज मैं मौजूद हूँ वजीराबाद रोड पर। यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम किया जा रहा है, और हर साल जो है ये प्रोग्राम किया जाता है। अभी मैं आपको धीरे धीरे ले चलती हूँ इसी प्रोग्राम की जो है चीज़ें दिखाते हुए। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। पानी का फुहारा है, अगल बगल में हाथी खड़े हुए हैं, और सामने आप देख सकते हैं लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूज़िकल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है किया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। उसी में जो है यहाँ पर म्यूज़िकल प्रोग्राम भी किया जाएगा। इस तरीके से सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी के फुहारा है, और सामने खूबसूरत आपको मैं दिखाती चलूँगी। सामने दिखा दीजिए थोड़ा सा, सामने देखिए कितना बड़ा ये हॉल टाइप से है, पूरा ये कवर अप किया हुआ है। इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, इतना बड़ा मंच सजा हुआ है, जहाँ इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, और सामने बड़ा बड़ा आप देख सकते हैं लाइव लॉर्ड द म्यूज़िकल बहुजन आइडियल, यानी कि बहुजन समाज से ही जो बच्चे हैं उनको ये मंच दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, किस तरीके से तिरंगा जो है वो लगा हुआ है। सामने जो यहाँ पर 1 से 2 हज़ार लोग जो हैं अभी आने वाले हैं, इस तरीके से अभी जो है हमने बात की तो बताया गया है। और यहाँ पर अभी प्रोग्राम धीरे धीरे जो है लोग प्रोग्राम में शिरकत करना चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, सुनहरी शाम में ये प्रोग्राम किया जाएगा। म्यूज़िकल प्रोग्राम है, और म्यूज़िक का तो मज़ा ही जो है वो शाम में आता है। तो उसी के साथ आप सामने देख सकते हैं जय भीम के नाम से ये जो है आप सामने देख सकते हैं ये है, और इस तरीके से पंचशील का झंडा है जय भीम की ये है। और सामने आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत का संविधान। ये इस तरीके की यहाँ पर बुक्स जो हैं लगातार लगा रखी हैं। कितना अच्छा जो है मैसेज दिया जा रहा है, एक प्रोग्राम के साथ साथ शिक्षा की जो शिक्षा को जो तवज्जो दी जानी चाहिए, जिस तरीके से हमारी जो माता सावित्री बाई फूले जी थी, और जो उन्होंने इसका पैगाम दिया था, उस मैसेज को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। गुलामगिरी की किताबें हैं, आप सामने देख सकते हैं सच्ची रामायण भी जो है पेरियार की सच्ची रामायण। किसी को पता भी नहीं होगा कि सच्ची रामायण और भी है, वरना तो लोगों को यही पता है एक ही रामायण है, सच्ची रामायण भी है पेरियार की। और उसके बाद जो है लगातार इस तरीके की बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा साहब अंबेडकर से लेके सावित्री बाई फूले और काशी राम जी की सभी बुकें यहाँ पर मौजूद हैं। अब उसी के बाद जो है दूसरा स्टॉल है, आप सामने देख सकते हैं काशी राम जी की, बाबा साहब अंबेडकर जी की, गौतम बुद्ध जी की बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, और यहाँ पर साथ में आप उनके छोटे छोटे ये स्टैचू टाइप की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध जी की, और बुद्धा जी भी हैं यहाँ पर, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी भी हैं, साथ ही उनके ये देखिए पेन भी जो है गौतम बुद्ध जी के तस्वीर से, बहुत खूबसूरत ये पेन है, आप देख सकते हैं क्या गौतम बुद्ध जी का इस पर साइन है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, तस्वीर दी हुई है, इतना खूबसूरत ये पेन है। हर चीज़ पे आपको एक एक चीज़ पे आपको गौतम बुद्ध जी मिल जाएंगे, भीम मिल जाएंगे, और ये लॉकेट टाइप से इस तरीके से की रिंग्स भी हैं गौतम बुद्ध जी की। ये देखिए कितने सुंदर हैं ये सब चीज़ें, आप देख सकते हैं रामाबाई अंबेडकर जी की बुक्स मौजूद है, अलग अलग तरीके की यहाँ पे सारी किताबें मौजूद हैं। साथ ही अब मैं आपको ले चलती हूँ सामने, यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत है ये पूरा, आप नज़ारा पहले देख लीजिए। सामने कितनी अच्छी खूबसूरत इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, रामाबाई हैं, सावित्री बाई फूले जी हैं, और अशोक जी हैं, और अशोक जो हैं उनकी मूर्ति है, गौतम बुद्ध जी हैं, और रामाबाई भी मौजूद हैं यहाँ पर, अंबेडकर जी भी हैं, काशी राम जी भी हैं, उनके सभी के स्टैचू जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं एक अच्छा पैगाम देने के लिए। और बहुत महापुरुष लोग थे जिन्होंने अपनी शिक्षाएं और संदेश दिए थे, और महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में बताया था, वही सब लोगों की यहाँ मूर्तियां हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बात की, महिलाओं के क्या हक अधिकार हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की, क्योंकि इन महापुरुषों के अलावा किसी ने भी महिलाओं के लिए कभी भी नहीं सोचा। और महिलाओं को जो दर्जा दिया हमेशा से भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उनकी योग्यता के अनुसार उनको एक
ओहदा दिया और महिलाओं को सम्मान से जीने का जो अधिकार है वो सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला। अब सामने आप धीरे धीरे यहीं पे मैं आपको दिखाती जाऊंगी, बड़ा बड़ा ये सामने दिखा दीजिए, लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम की ओर से आप सभी का स्वागत है और बुद्ध पूर्णिमा है उसी के उपलक्ष में यहाँ पर ये बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। और इतना बड़ा प्रोग्राम आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाए। अब धीरे धीरे लोग जो है जागृत हो रहे हैं, जाग रहे हैं और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जान रहे हैं, उनके संदेश को जान रहे हैं। इसी तरीके से सामने और मैं ले चलूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और स्टॉल मौजूद है, कबीर शब्दामृत इनकी बुक्स रखी हुई हैं, अलग अलग तरीके के लोकतंत्र, बाबा साहब का जो लोकतंत्र की किताबें हैं और कुसी नारा का एक बुक है, ये सामने आप देखिए। आप इसकी आंटी जी इसकी कीमत क्या होगी? 150 तक में आपको ये बुक्स मिल जाएगी, कितनी कीमत भी कम है और शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर ये बुक्स लेंगे और पढ़ेंगे, महापुरुषों की ये बुक है, आप पढ़िए और जानिए उनके संदेश को, आपको बहुत जो है शिक्षा मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगा, इसमें एक एक शब्द जो है आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसी ये किताबें हैं और महापुरुषों की किताबें हैं। यहाँ पर स्टॉल में आप देख सकते हैं वही सारा गौतम बुद्ध से रिलेट सारा सामान रखा हुआ है, उसी तरीके से सावित्री बाई फूले जी की किताबें हैं, बिरसा मुंडा की यहाँ पर सावित्री जीवनी है और अम्बेडकर जी के इस तरीके से आप जो घरों में दिवाली के दिन जो लटकाते हैं इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर मौजूद है, आप ले सकते हैं और बहुत ही कम रुपए में ये मिल रहा है आपको। और यहाँ पर स्टॉल लगे हुए लगातार, यहाँ पर सामने आपको और भी दिखा दूंगी, भगत सिंह की किताबें हैं और भी आपको अलग अलग तरीके की किताबें मिल जाएंगी। सबसे ये देखिए, मैं भंगी हूँ करके ये एक भगवान दास जी की ये किताब है, आप पढ़िए इन सब किताबों को, आपको क्या कुछ नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से देश में हर किसी के SC ST OBC जितने भी दलित कुचले वर्ग हैं, वो पिछड़े लोग हैं, उनकी आवाज़ों हक अधिकारों को दबाने वाले जो लोग थे उनके बारे में आप समझेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से और भी स्टॉल मौजूद हैं और किताबों का तो यहाँ भंडार है, मेरा मन कर रहा है इन किताबों को देख के कि एक आधी किताब मैं भी ख़रीद लूँ, क्योंकि भंडार इतना अच्छा है कि मन कर रहा है कि सभी किताबें मैं ले लूँ। आप भी आइए और शिरकत कीजिए इस प्रोग्राम में, इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी कोई भी नहीं कराता है, इस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है और लोग धीरे धीरे जहाँ पर जुट रहे हैं, जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे लोग जुट रहे हैं और लगातार यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है। सामने आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन हो चुकी है, म्यूजिक के जो म्यूजिकल जो बैंड है वो मौजूद हो चुका है, अब धीरे धीरे उसकी जो है शुरुआत होने वाली है प्रोग्राम की। सामने आपको मैंने किताबें दिखाई, इसी तरीके से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है जो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी कोई नहीं करवाता है। अभी तक मैंने जो कवर किया वो ये प्रोग्राम बुद्ध पूर्णिमा पर, इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं नहीं कराया जा रहा है। इसी तरीके से मैं आपको बुद्ध से रिलेट और इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की जो शिक्षाएं थी, जो संदेश थे और गौतम बुद्ध जी का जो संदेश था आपको बताती रहूंगी, दिखाती रहूंगी इसी जनहित आवाज़ पे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़।